भंडारा जिले के अवैध व्यवसायियों पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। उसी प्रकार 15 मई को स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक जयवंत चौहान और कारधा पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक दीपक वानखेड़े को मिली गुप्त जानकारी के आधार पर कारधा पुलिस स्टेशन अंतर्गत करजखेड़ा टापू पर चल रहे जुआ अड्डे पर छापा मारा। इस कार्रवाई में कुल 5,35,000 रुपए का माल जब्त कर मौके पर ही नष्ट किया गया। सभी करजखेड़ा निवासी फरार अपराधी नंदाबाई भूरे उम्र 35 वर्ष, सतीबाई केवट उम्र 40 वर्ष, वानिता उत्तम केवट उम्र 32 वर्ष, विनोद खंगार उम्र 35 वर्ष, निखिल मेशराम उम्र 35 वर्ष, प्रकाश वल्थरे उम्र 35 वर्ष और चैताराम मड़ामे उम्र 55 वर्ष के खिलाफ कारधा पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 159 कदम 65 फ के तहत मामला दर्ज किया गया है। उपरोक्त कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक वसंत जाधव, अपर पुलिस अधीक्षक अनिकेत भारती, DYSP संजय पाटिल, स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक जयवंत चौहान के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक दीपक वानखेड़े, पुलिस उप निरीक्षक विवेक राउत व उनकी टीम ने मिलकर की है। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से BS क्राइम इंडिया न्यूज.com की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।